हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट वीक आपके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा, कुछ अच्छी लॉजिकल ट्रेड्स आपने की होगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छे स्विंग्स के सेटअप नज़र आ रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। टोटल 9 सेटअप है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो डिस्कस करेंगे कि इन सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों हम इन्हें ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारे स्टॉप लॉसेज होंगे, क्या हमारे टारगेट्स होंगे। तो इन शॉर्ट सारे सेटअप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें हैं, वो ये कि जब हम स्विंग ट्रेड लेते हैं कई बार क्या होता है, शेयर साइडवेज हो जाता है। जैसे फेडरल बैंक जो हम पहला एग्जांपल लेने वाले हैं उसमें ही हुआ है। तो जब हम ऑप्शंस में ट्रेड लेते हैं तो हमें फिर टाइम वैल्यू डिके फेस करना पड़ता है। तो अगर आप लेस रिस्की ट्रेडर हो, ये स्विंग सेटअप्स आप शेयर्स में ले सकते हो। अगर आप थोड़े से रिस्की ट्रेडर हो तो फ्यूचर्स में भी आप ट्रेड ले सकते हो। आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहो नो डाउट उसमें भी कर सकते हो, बट ट्राई करो जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करो तो ऑप्शन स्ट्रेटजी बना लो जिसमें टाइम वैल्यू डिके का भी बेनिफिट मिले, कि अगर मार्केट साइडवेज हो जाए शेयर फिर चले तो उस जर्नी में भी आप प्रॉफिट अर्न कर सको। लाइक आप बुल पुट बना सकते हैं, शॉर्ट्स वाली ट्रेड में बियर कॉल बना सकते हैं। तो इसमें अगर जैसे फेडरल बैंक पिछले कुछ हफ्तों से साइडवेज हुआ, अब मोमेंटम आया है फ्राइडे को, तो अगर ये साइडवेज भी हो जाएगा तो भी उन सिनेरियोज में आपको कोई बड़ा लॉस नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि सेटअप तो स्टिल वैलिड है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं। पहला सेटअप है फेडरल बैंक। तो काफ़ी दिनों से इसे रिकमेंड किया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट लेवल है 120 का, उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। पहले 125 था और 120 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। 130 और 135 के दो टारगेट थे। तो 2-3 हफ्ते पहले से रिकमेंड किया जा रहा था। तो मैंने ये सजेशन दिया कि था कि जिन लास्ट वीडियो में कि जिन्होंने ये ट्रेड ऑलरेडी ली हुई है वो होल्ड करें, कंटिन्यू करें, टारगेट्स आने वाले दिनों में आ जाएंगे। स्टिल वैलिड है ट्रेड, स्ट्रांग बंद होकर गया फ्राइडे को, टारगेट्स आने वाले दिनों में देख सकते हैं। और जो लोग इसमें नई फ्रेश एंट्री करना चाह रहे थे उनके लिए एक ट्रिगर दिया था कि अगर 13 EMA के ऊपर क्लोज दें सस्टेन करें, क्योंकि जब इसके अगर आप देखोगे 13 EMA को ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रेसिस्ट कर रहा था। तो फ्राइडे को एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, शेयर काफ़ी मोमेंटम में था, 3.5% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। जून एक्सपायरी ख़त्म हुई, जुलाई एक्सपायरी के पहले दिन ही शेयर ब्लास्ट हुआ है, यानी जो अटका हुआ था टेक्निकली भी अटका हुआ था, एक्सपायरी भी कहीं ना कहीं उसमें रोल प्ले कर रही थी। तो अब 13 EMA के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज होके जा चुका है, 125 के ऊपर भी क्लोज दे चुका है। तो जो ऑलरेडी इस ट्रेड को होल्ड करके बैठे हैं उन्हें होल्ड करना चाहिए, जो फ्रेश एंट्री लेना चाहे वो ले सकते हैं। तो जो हमारा ट्रिगर था वो हिट हो चुका है, काफ़ी कन्विंसिंगली ऊपर क्लोजिंग दे गया है, तो ट्रिगर को हम हटा दे रहे हैं। जिन्होंने ट्रेड ली हुई है अच्छी बात है, इंतज़ार करिए, जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला सेटअप था। दूसरा सेटअप इसमें मैकडोवल्स का, ये लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, 900 का गैन लेवल भी था, वहाँ पर शेयर कंसोलिडेट कर रहा था, बुलिश एनगल्फिंग जैसी कैंडल भी बना के गया था, और 13 EMA को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है मैकडोवल्स। आप अगर देखोगे 21 अप्रैल से बड़ा ही स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है। तो काफ़ी सारे क्लस्टर ऑफ रीज़न थे तभी से रिकमेंड किया गया था। 890 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस था डेली क्लोजिंग बेसिस पे, टारगेट 925 का था और एक सिंपल सा ट्रिगर था, बाय व्हेन ओपन एंड सस्टेन अबव 13 EMA इन डेली चार्ट। तो क्योंकि लास्ट वीक टर्मोइल चल रहा था, रशिया से काफ़ी न्यूज़ेस आ रही थी, तो एक छोटा सा ट्रिगर दिया था कि भाई 13 EMA के नीचे लग रहा था मंडे मार्केट गैप डाउन हो सकता है, जो हुआ नहीं। तो एक छोटा सा ट्रिगर दिया था कि अगर 13 EMA के ऊपर खुले तभी ट्रेड लेना। तो अगर आप देखोगे मंडे की कैंडल है, 13 EMA के ऊपर ही क्लोज ओपन हुआ था शेयर। ये ट्यूसडे है, वेडनेसडे एंड थर्सडे है। तो अगर आप देखोगे वेडनेसडे का जो हाई है 921.9 का है, फ्राइडे का हाई 922.45 का है। तो जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट अचीव हो गया है, 925 का टारगेट था, 922.45 तक आ गया शेयर। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया इट्स अ गुड थिंग, नहीं किया तो इंतज़ार कर लीजिए, एग्जैक्ट टारगेट आने वाले हफ्तों में आपको दिख सकता है। तो ट्रिगर तो हटा देते हैं, ट्रिगर तो सिर्फ रशिया वाली न्यूज़ के कारण एक प्रोटेक्टिव फिल्टर की तरह रखा हुआ था, बाकी सेटअप बहुत अच्छा था, ऑलमोस्ट टारगेट भी अचीव कर चुका है। होपफुली आपने लिया होगा और प्रॉफिट भी बुक करा होगा, अगर नहीं किया हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट कर लीजिए, आने वाले दिनों में टारगेट्स आ जाएगा। तो दो सेटअप है, फेडरल और मैकडोवल। मैकडोवल में कोई नई ट्रेड नहीं बनती है, फेडरल में स्टिल आप ट्रेड एंटर कर सकते हैं।
ठीक है, अब चलते हैं वोल्टास में। लास्ट हफ्ते ये रिकमेंड किया गया था, क्यों, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था 750 का, गैन लेवल भी था, वहाँ पर शेयर आया हुआ था। और अगर वीकली चार्ट में इसका ओपन करूँ, अगर ओपन हो जाता है तो यस, तो शेयर में एक डीप करेक्शन आया था, जो डीप करेक्शन जैन में इसी 750 के लेवल पे एंड हुआ था। घूम फिर के उसी लेवल पे दोबारा आ गया था वोल्टास, और एक अच्छे चांसेस थे कि डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना सकता था। दैट्स वाई इसे रिकमेंड किया गया था, बस एक ट्रिगर दिया गया था कि मंडे का वेट कर लो, अगर मंडे को कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है दैट मीन्स वो एग्रेसिव एंट्री कन्फर्म कर देगा, देन आपको जंप करना चाहिए। अगर आप मंडे की कैंडल देखोगे, ये मंडे की कैंडल है, लाइक ऑफ बुलिश शरामी है, तो बुलिश शरामी बनाया गया था, वहाँ पर एग्रेसिव एंट्री बन गई थी, एंट्री ले सकते थे 774 और 800 का टारगेट, 740 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा, ना टारगेट अचीव हुआ है इस हफ्ते, 766.7 तक गया है और एग्रेसिव एंट्री बना चुका है। तो अगर आपने ट्रेड ली थी इस एग्रेसिव एंट्री को देख के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बैठिए, 774 के टारगेट्स आ सकते हैं अगले हफ्ते, और जो अगला टारगेट है वो 800 भी आ सकता है, बट उसके लिए 13 EMA के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, जो अराउंड 776 के आ रहा है। तो सिंपल सा कंक्लूजन है, अगर आपने ट्रेड ले ली है बने रहिए, ट्रेड आपने नहीं ली है एग्रेसिव एंट्री बनी हुई है, आप अभी भी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं और ट्रेड ले सकते हैं। तो तीन सेटअप हैं, फेडरल, मैकडोवल, वोल्टास। वोल्टास और फेडरल स्टिल वैलिड है, मैकडोवल्स आपकी लिस्ट से हट जाना चाहिए क्योंकि उसमें ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। और ऊपर से एक चीज़ और है कि हम इतने सेटअप्स डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं, लाइक 13 EMA आ रही हैं। हो सकता है कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा हो, उसे 13 EMA की बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऑलरेडी एक सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। अगला सेटअप है कोटक बैंक, ये दो तीन एक दो हफ्ते से हम रिकमेंड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बड़ा ही क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स आ रहे हैं, गैप सपोर्ट का जोन आ रहा है, इसमें एक न्यूज़ आई थी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अब एक बहुत बड़ा गैप रह गया था वो आ रहा है, 1850 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल आ रहा है, और 1800 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस दिया गया था, और दो टारगेट थे, पहला 13 EMA हमारा टारगेट था, क्योंकि 13 EMA मूव करता रहता है, इसलिए मैं 13 EMA को टारगेट ले लिया था 1860 की जगह, क्योंकि जब लास्ट वीक ये वीडियो दिया था तब 1860 पे 13 EMA था, और अभी 13 EMA चेंज हो चुका होगा, तो 13 EMA फर्स्ट टारगेट था, 1900 विल बी अवर सेकेंड टारगेट होता। तो अगर हम देखें, जो फ्राइडे को मार्केट ने स्ट्रांग बाउंस बैक किया है, उस कारण जो उसका हाई है 1850 है, और जो हमारा 13 EMA है वो अचीव कर चुका है, तो पहला टारगेट तो ये अचीव कर चुका है और अब अपने स्ट्रांग रेसिस्टेंस 13 EMA के पास आ चुका है। अब किया जा सकता है, एक तरीका तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए और निकल जाइए, होपफुली कई लोगों ने कर भी लिया होगा, क्योंकि मैं पहले से ही बताता आया हूँ 13 EMA इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम माई प्रोस्पेक्टस। और अगर आपने नहीं किया, इंतज़ार कर लीजिए, मंडे अगर 13 EMA का ब्रेकआउट होता है तो श्योर शॉट इन 1900 के टारगेट दिखा सकता है, आप 1900 के टारगेट ले बैठ सकते हैं। तो जिन्होंने ट्रेड ली हुई है वो दो काम कर सकते हैं, या तो प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे, ये इंतज़ार कर रहे होंगे, अगर आप इंतज़ार कर रहे हो ये 13 EMA का ब्रेकआउट करता है तो इंतज़ार करते रहिए, नहीं करता है तो निकल जाइए। ठीक है, और अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो भी आप क्या करोगे, 13 EMA का ब्रेकआउट का इंतज़ार करोगे, अगर हो जाता है ओनली देन आप सेकंड टारगेट का इंतज़ार करो। ठीक है, तो कोटक भी स्टिल वैलिड है, बस आपको 13 EMA के ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। क्रॉन्टन लास्ट हफ्ते दिया था, क्यों दिया था, शेयर काफ़ी डीप करेक्शन में है, शेयर ने यहाँ पर आई थिंक ये है आपकी डेट 22 मई, यहाँ पे 13 EMA को गेन किया था एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद, और उसके बाद उस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले रहा है, हर बार जब भी करेक्शन आ रहा है वहाँ से बाउंस बैक कर जा रहा है। तो लास्ट फ्राइडे की कैंडल है, पियर्सिंग पैटर्न टाइप बना के गया था 13 EMA के सपोर्ट पे, तो अच्छी कन्विक्शन लग रही थी, दैट्स वाई मैंने रिकमेंड किया गया था। 285 का ऑन डोली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था और 300 का टारगेट था। इस हफ्ते का हाई हम देखें तो है 292.90 का, यानी ना हमारा टारगेट अचीव हुआ है ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है। 13 EMA पे स्टिल बड़ा स्ट्रांगली, पिछले जो 4 दिन बीते हैं वीक में, एक दिन मार्केट क्लोज था, 13 EMA को सपोर्ट लेता रहा है।
तो सेटअप स्टिल वैलिड है, ना टारगेट आया ना स्टॉप लॉस आया। अगर आपने ट्रेड ली थी आप इंतज़ार कीजिए, आप पहली बार देख रहे हैं तो एंटर भी कर सकते हैं। तो ये पांच सेटअप थे जो पिछली वीडियो से हमने कैरी ओवर किए थे, ठीक है, जिसमें से मैकडोवल्स आउट ऑफ पिक्चर है, फेडरल स्टिल वैलिड है, वोल्टा स्टिल वैलिड है, क्रॉपटन स्टिल वैलिड है, कोटक बैंक ब्रेकआउट के बाद वैलिड हो जाएगा। तो चार सेटअप स्टिल वैलिड है। अब चार जो नए सेटअप है उनको डिस्कस करते हैं ताकि टोटल आठ सेटअप आपके पास हो जाए। तो पहला सेटअप है एसीसी का। एसीसी अगर पूरे ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में देखें तो काफ़ी लगाडिंग चल रहा है। अल्ट्राटेक का अपने ऑल टाइम हाईस के आस पर ट्रेवल कर रहा है, बाकी सारे शेयर्स भी स्ट्रॉन्ग कम बैक कर रहे हैं, रैमको एंड बाकी अदर्स। एसीसी अदानी ग्रुप के कारण, एसोसिएशन के कारण थोड़ा सा लगाडिंग हो गया, मगर सेटअप इसमें अच्छा दिख रहा है। तो 1800 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर शेयर कंसोलिडेट कर रहा है, उसके ऊपर क्लोजिंग देकर गया है, सस्टेन भी करके गया है। 1790 का एंड वीकली क्लोजिंग बेसिस का हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं, 1850 और 1900 का टारगेट ले सकते हैं। ये एसीसी का डेली चार्ट है। अगर आप देखोगे तो 1800 के ऊपर क्लोज देकर गया, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है और 13 EMA के बराबर ऑलमोस्ट क्लोजिंग देकर गया है। तो इसमें हम एक ट्रिगर ले सकते हैं। ट्रिगर हम ले सकते हैं कि अगर 13 EMA के ओपन हो, ऊपर ओपन हो और सस्टेन करे मंडे को, तो ट्रेड लेना ज़्यादा वैलिड होगा। तो अच्छा सेटअप है, बस एक ट्रिगर डाल देते हैं ताकि हमारे सही होने के जो चांसेस हैं वो और बढ़ जाए। तो ट्रिगर सिंपल सा रख लेते हैं, इफ़ ओके, शायद कुछ एरर के कारण टाइप नहीं हो रहा ट्रेडिंग व्यू को, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रिगर मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ, ट्रिगर बहुत सिंपल सा है कि 13 EMA के जस्ट बराबर क्लोज देकर गया, तो अगर मंडे 13 EMA के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, तो आप ज़रूर इसे ले सकते हैं। टारगेट 1850 और 900 हो जाएंगे और स्टॉप लॉस 1790 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस हो जाएगा। तो ये पहला सेटअप है। अगला सेटअप है सन फार्मा का। सन फार्मा काफ़ी स्ट्रांगली बाउंस बैक कर रहा है फार्मा सेक्टर में, काफ़ी क्वार्टर पर क्वार्टर अच्छे रिजल्ट पोस्ट कर रहा है, काफ़ी स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है कहने का मतलब है। और एक इसका रेसिस्टेंस है 1050 का, जिसे इसने जो अक्टूबर में अटेम्प्ट किया था 2022 में, तब अनसक्सेसफुल रहा। फिर इसने दिसंबर 22 में एक अटेम्प्ट किया उसको ब्रेक करने का, वो अनसक्सेसफुल रहा। फिर इसमें जैन 2023 में अटेम्प्ट किया उसे ब्रेक करने का, वो अनसक्सेसफुल रहा। तो लास्ट तीन अटेम्प्ट पिछले 8-9 महीने में अनसक्सेसफुल रहे हैं। कोई भी ऐसा वीक नहीं गया जब ये 1050 के ऊपर क्लोजिंग मैनेज कर पाया हो, बट अब की बार का हफ्ता फर्स्ट हफ्ता है जब इसने 1050 के ऊपर क्लोजिंग दी है। स्टिल कन्विंसिंग क्लोजिंग नहीं है, जस्ट 1.60 रुपये ऊपर आई है, बट क्लोजिंग एटलीस्ट आई है, जो एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इंडिकेशन दे रहा है ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बड़ी हायर है अब की बार। तो एक ट्रिगर इसलिए लिखा गया है कि अगर मंडे ओपन ऊपर हो 1050 के और सस्टेन करें तो ट्रेड ले सकते हैं। 1025 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा, 1074 और 1100 के दो हमारे टारगेट होंगे जिन्हें हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टारगेट्स होंगे जिन्हें हम कंसीडर कर सकते हैं, और अगर मंडे ओपन हो सस्टेन करे 1050 के ऊपर तो ज़रूर ले सकते हैं शेयर को। ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, काफ़ी हायर चांसेस है ब्रेकआउट हो जाना चाहिए अब की बार। तो ये दो नए सेटअप है, एसीसी सन फार्मा, चार पुराने सेटअप हैं, तो टोटल छः सेटअप हो गए जिन्हें आप लॉजिकली ट्रेड कर सकते हैं। अभी दो और हैं, एक है PNB। जैसे PNB जैसे 2 डिजिट वाले शेयर्स में मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, बट अच्छा सेटअप नज़र आ रहा था तो मैंने रिकमेंड कर दिया है। इंपॉर्टेंट लेवल है 50 रुपये का, और 13 EMA भी आ रहा है वीकली चार्ट में, उस पर बुलिश एनगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल बना के गया है और काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है चार्ट्स में। तो 50 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस दिया जा सकता है। 52, 50 और 55 के दो टारगेट्स हैं जो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा सेटअप है जिसे आप कंसीडर कर सकते हो मंडे के लिए। लास्ट परसिस्टेंस, शेयर को अगर हम देखें, वैसे तो आईटी सेक्टर गिरा हुआ है, बट ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेवल कर रहा है। 5000 का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लेवल है, गैन थ्योरी से भी, नॉर्मली भी, चार्ट से भी, तो और उसके हल्का सा ऊपर क्लोजिंग देकर गया। 13 EMA पे बुलिश एनगल्फिंग की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के गया, तो इसे रिकमेंड किया जा रहा है। बस एक ट्रिगर है कि 5000 के ऊपर ओपन हो मंडे को और सस्टेन करे, तब इसमें एंटर करना चाहिए। 5100, 5150, 250 दो हमारे जेन्युइन टारगेट्स होंगे जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 5250 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई है,
मेरी एक्सपेक्टेशन है एक बार उसे टेस्ट आउट करने जा सकता है, फिर डबल बॉटम या कुछ होगा या ब्रेकआउट होगा या डबल बॉटम होगा, बट एटलीस्ट उम्मीदें हैं कि 5250 के लेवल ही दिखा सकता है इफ अगर मंडे या आने वाले वीक में 5000 के ऊपर ओपन और सस्टेन करता है। तो ये 9 सेटअप हैं जिन्हें आप अगले हफ्ते देख सकते हो लॉजिकल ट्रेड की तरह लिए, इनके रीजंस भी इनके साथ हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो हमने डिस्कशन किया ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, कुछ आपको सीखने में मदद करेगा, फ्रूटफुल साबित होगा और आपको लॉजिकल ट्रेड की तरफ मोटिवेट करेगा। तो आज का डिस्कशन यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और कुछ चीज़ ना समझ में आई हो, कुछ डाउट हो, कुछ सजेशन हो तो चैट बॉक्स में बताएं, विल ट्राई उन सारे सजेशंस को अप्लाई करने का, आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने का। तो एंड करते हैं उम्मीद के साथ कि अगला वीक आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू वेरी मच।